प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम योग सीखेंगे। तो यदि आप योग करना चाहते हैं तो शुरुआती दौर में जो योग किया जाता है उसके लिए सूक्ष्म योगिक क्रियाएं बहुत ही ज़रूरी हैं। यदि आप जिम जाते हैं तो उससे पहले भी ये सूक्ष्म योगिक क्रियाएं ज़रूर कीजिए। इससे क्या होता है कि हमारे जो जॉइंट हैं, जहाँ जहाँ पर भी, जैसे घुटनों में है, हाथ में है, ये यहाँ पर एल्बो में है, तो ऐसे जहाँ जहाँ पर जॉइंट है वहाँ पर खून का संचार ठीक से होता है। इससे क्या होगा कि हमारी मांसपेशियाँ मजबूत होगी। तो योग करने से पहले ये सूक्ष्म योगिक क्रियाएं ज़रूर कीजिए। तो आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने दोनों हाथ को ऐसे ऊपर उठाकर बिल्कुल सांस लेते हुए हवा को महसूस करना है, क्योंकि हवा यानी कि ऑक्सीजन की कीमत हम सब ने आज इस लॉकडाउन में महसूस की है, कोविड-19 में, कि ऑक्सीजन की कीमत क्या होती है। तो आपको क्या करना है कि गहरी सांस लेते हुए हवा को महसूस करना है और शरीर को तानना है, ठीक है। ऐसा थोड़ी देर के लिए इसी पोजीशन में रुकिएगा। उसके बाद आपको दोनों हाथ को ऐसे फैला लेना है। उसके बाद जैसा आप नॉर्मल करते हैं जितना आप जा सकते हैं, शुरुआत में झटके नहीं देना है, बिल्कुल धीरे धीरे, है ना। इसके बाद ये यहाँ पर जॉइंट है तो आपको दोनों हाथ ऐसे करना है, फिर ऐसे, ये यहाँ ऐसा करने के बाद आप ऐसे सामने से भी ये वाली पोजीशन कर सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद गर्दन के लिए आप यदि एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो गर्दन आपको क्या करना है, पहले सीधे खड़े हो जाना है, उसके बाद गर्दन को नीचे लाना है, यहाँ तक टच करने का प्रयास करना है, इसके बाद इसको ऐसे ऊपर उठाना है, ऐसे, फिर ऐसे ही इस गर्दन को पूरा अपने को राउंड करना है। तो ऐसे ये यहाँ आए, यहाँ आने के बाद फिर ऐसे विपरीत ले जाना है वापस, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये गर्दन के लिए हो गए। अब ये यहाँ पर जो जॉइंट है अपना, इसके लिए आप चक्रासन कर सकते हैं। चक्रासन के लिए आप नॉर्मल कंधों जितनी गैप इन पाँव के बीच में रखिएगा, ऐसे खड़े होकर एक पहले हाथ ऐसे रखिए, सीधे खड़े हो जाइए, उसके बाद ये हाथ यहाँ और इस हाथ को यहाँ लगा लीजिए और जितना आप झुक सकते हैं, फिर यही पोजीशन आपको इस तरफ भी दोहराना है। तो देखिए, इस हाथ को ऐसे नीचे करेंगे, इसको ऐसे यहाँ कान के पास लगाएंगे, बिल्कुल ये ऐसे, है ना। शुरुआत में आप जितना झुक सकते हैं, झटके बिल्कुल भी नहीं देना है, बिल्कुल धीरे धीरे आपको प्रयास करना है, ठीक है। इतना करने के बाद फिर अपन घुटनों पर आते हैं। तो घुटनों के लिए आपको दोनों पांव ऐसे पास में कर लेना है थोड़े, और खड़े हो जाना है, और ये ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे, ये ऐसे। इसके अलावा घुटनों के लिए और एक्सरसाइज है, इनको पास में ले लीजिए, ऐसे इनको राउंड एंड राउंड ऐसे घुमा लीजिए, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे। तो ये घुटनों के लिए एक्सरसाइज हो जाती है। इसके बाद हम अब बैठकर कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाएं करते। अब आपको इस पोजीशन में ऐसे बैठ जाना है और सबसे पहले ये पाँव की जो अपनी उंगलियां हैं इनको ऐसे नीचे और ऊपर करना है, है ना, दो तीन बार, और उसके बाद आपको इन पाँव को ऐसे आगे ले जाना है जितना आप ले जा सकते हैं, ना, झटका नहीं देना है, बिल्कुल शुरुआत में बिल्कुल धीरे धीरे, और फिर इनको इधर भी आप जितना ला सकते हैं उतना लाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि इनको ऐसे घुमा लेना है, ऐसे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे शुरुआत में कम से कम 5-5 बार आप इन क्रियाओं को दोहराइए। उसके बाद आपको क्या करना है, पाँव को ऐसे ये यहाँ से बिल्कुल, अब आपको क्या करना है कि ये जो अपना सीधा पाँव है इसको उठाना है और यहाँ लाकर रखना है, ठीक है, यहाँ लाकर रखना है, ये हाथ ऐसे पीछे रखना है
और इसको ऐसे दबाना है जितना आप नीचे ले जा सकते हो। क्लियर है? जितना नीचे ले जा सकते हो इतना ले जाइए, शुरुआत में झटके नहीं देना है आपको, धीरे धीरे जितना आप ले जा सकते हो। उसके बाद इसको ऐसे उठाकर यहाँ लाना है, जितना ऊपर आप ले जा सकते हो। क्लियर है? यही क्रिया अपन इस पाँव के साथ भी दोहराएंगे। देखिए, इसको आपको ये यहाँ लाना है, इसको ऐसे नीचे दबाना है, पुश करना है, उसके बाद इसको यहाँ लाने का प्रयास करना है। ठीक है? जितना आप ला सकते हैं। उसके बाद अब अपन तितली आसन करेंगे। तितली आसन से आपकी मांसपेशियां सुदृढ़ होगी, तो यहाँ से इसको ऐसे पाँव की स्थिति बनाना है, यहाँ से लॉक कर देना है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखना है। ठीक है? और इसको यहाँ लाने के बाद ये पाँव आपके यदि शुरुआत में इतने नीचे नहीं जाते हैं, इतने ही जाएंगे ना, धीरे धीरे फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो नीचे जाएंगे। फिर इनको ऐसे जिस प्रकार से तितली अपने पंख फैलाती है उसी तरह से अपने को इन पाँव की पोजीशन बनाना है। ये इस प्रकार से। ठीक है? अब इसके बाद वापस आपको अपनी पोजीशन में आ जाना है। इसके बाद अब देखिए, हाथ में जो अपने जॉइंट है उनमें, ये उंगलियों में यहाँ पर जैसे जॉइंट है, तो इनको क्या करना है आपको, ऐसे ऐसे चार पांच बार अच्छे से इनको ऐसे कर लेना है। इसके बाद इनको ऐसे मुट्ठी को बंद करना है, अंगूठे बाहर रखना है और अगली पोजीशन में अंगूठे को अंदर कर लेना है। ठीक है? तो एक बार में बाहर, एक बार में ऐसे अंदर। ठीक है? ऐसे ऐसे। उसके बाद इनको अपन ने ऐसे कर लिया। अब इसके बाद ये जो यहाँ का जॉइंट है, इसके लिए आपको क्या करना है कि ऐसे इनको घुमाना है, ऐसे राउंड एंड राउंड ऐसे घुमा लिया। अब इसको इस दिशा में घुमाना है। ठीक है? ये घुमा लिया। अब आपको ऐसे पालकी लगाकर बैठ जाना है और सामान्य हाथ यहाँ पर रख लेना है और इन कंधों को ऊपर उठाना है ऐसे, और वापस नीचे ले जाना है। ऊपर उठाना है, नीचे ले जाना है, ऊपर उठाना है, नीचे ले जाना है। क्लियर है? अब इसके बाद आप दोनों हाथ को यहाँ पर रखिए और ऐसे इनको पूरा शून्य बनाते हुए इनको घुमाइए। ये ऐसे, फिर इनको ऐसे विपरीत दिशा में। क्लियर है? ये कंधों के लिए हो गया। अब आपको क्या करना है, ऐसे अपने हाथ को दोनों तरफ से ऐसे लॉक कर देना है, फिर इस तरफ खींचना है और ऐसा ही ये इस तरफ। अब इसके बाद अपने हाथ को ऐसे पीछे ले जाना है जहां तक आप ले जा सकते हैं, और इस हाथ को भी ऐसे पीछे ले जाना है। दोनों को पीछे से मिलाना है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, आप इस हाथ को मैं यहाँ ले जा रहा हूँ और इसको यहाँ, इन दोनों को यहाँ से ऐसे पकड़ लेना है आपको और कुछ समय के लिए ऐसे ही बैठे रहना है। इसी प्रकार से हाथ को बदल लेना है। अब ये वाला हाथ इधर ले लेना है आपको। ठीक है? और यदि आप जिम ज्वाइन करते हैं तो जिम ज्वाइन करने से पहले थोड़ी रनिंग जरूर लगा लीजिए। रनिंग आप जहाँ खड़े हैं वहाँ पर खड़े होकर भी लगा सकते हैं, जिससे क्या है कि शरीर थोड़ा गर्म हो जाता है, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज करें। इसके साथ ही यदि आपको कोई गंभीर रोग है या कोई गंभीर बीमारी है तो उसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। तो आशा करता हूँ कि ये शुरुआत का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।